घर को आग लग गई घर के ही चिराग से। जी हां, अगवा ब्राय तवान की वारदात में मुलविस मुलजमा मैविश 5 साल बच्चे अरीज की सुतेली नानी है। CIA इकबाल टाउन पुलिस ने तमाम मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया है। अगवा ब्राय तवान की बड़ी वारदात में मुलविस तमाम मुलजमान गिरफ्तार होने के बाद अब CIA इकबाल टाउन में उनका तफ्तीश का अमल भी जारी है, लेकिन 2 ऐसे मुलजमान है जिनको पुलिस मुकाबले में पार कर दिया गया है। लेकिन इस अगवा ब्राय तवान की वारदात में मरकजी मुलजमान जिसका करदार है अपने ही नवासे को अगवा करवाने में और तवान मांगने में, तवान 10 करोड़ रुपए का था। मैं भी से जानते हैं कि 10 करोड़ रुपए बच्चे के वालिद ने कहां से देना था या इनके जो हस्बैंड हैं अता मोहम्मद उन्होंने देना था। ये सारी कार्रवाई के हवाले से हम जानते हैं कि कैसे इन्होंने प्लान बनाया। मैविश, कब से आप वारदातें कर रही हैं, ये पहली वारदात है या इससे पहले भी कर चुकी हैं? नहीं सर, कोई वारदात नहीं कर चुकी। मैं तो अपने घर ही रहती हूँ जहाँ मेरी शादी हुई है, हवेली लखा। ठीक है, तो जो शबाज जिन्होंने किया है वो मेरा दोस्त था। कब से दोस्ती थी उसकी? 3 साल हो गए। 3 साल से दोस्ती थी आपकी। जब शादी हुई, रिश्ते वाले ने शादी करवाई, आपकी उम्र क्या थी और आपके हस्बैंड की उम्र क्या थी? 16 साल थी मेरी उम्र और मेरे हस्बैंड की 60 साल थी, अब ज़्यादा हो गई मेरे ख्याल से। रजामंदी के साथ हुई थी शादी? घर वालों ने की थी। आपकी पसंद नहीं थी? आपके पसंद के खिलाफ घर वालों ने शादी की थी? नहीं, घर वालों ने की थी, कहा था कर लो, बस कर ली। कर ली जी। ठीक है, तो शादी के बाद आप हंसी खुशी रह रहे थे? हाँ जी। फिर एकदम शहबाज आपके जिंदगी में आ जाता है, उसके साथ दोस्ती कैसे हुई? इधर इशरे बाजार में शॉपिंग करने आते हैं, मेरे हस्बैंड भी साथ होते हैं, तो उन्होंने शहबाज ने नंबर दिया था। बाजार में जब शहबाज ने आपको नंबर देने की कोशिश की तो आपने वो नंबर जो था उसके मुंह पे नहीं मारा? नहीं सर, वो दे रहा था बार बार, तो फिर ले लिया। नंबर लेने के बाद आपने फिर उससे बातें करना शुरू कर दी। 3 साल ये फिर दोस्ती फोन तक ही रही कि आगे तक भी गए? नहीं, फोन ही करते थे। फोन ही करते थे? घर में भी आना जाना था? नहीं, कभी नहीं आना जाना हुआ? नहीं। अच्छा, तो आपके हस्बैंड को पता था आप फोन पे बातें करती हो शहबाज के साथ? नहीं सर, नहीं पता था। नहीं। आप अपने शोहर को धोखा दे रही थी। फिर अरीज को अगवा करने के हवाले से प्लान किसने बनाया, आपका किरदार कहाँ तक था? पैसों तक था, घर का एड्रेस बताना था, शहजाद को मशवरा देना था कि इसको अगवा किया जाए तो पैसे मिल सकते हैं, किसमें आपका किरदार था? शहबाज ने खुद ये सब कुछ अपनी मर्जी से किया। ठीक है, क्या किया शहबाज ने आपको बताया था अगवा की वारदात से पहले? बाद में पता चला उसी दिन। क्या बताया शहबाज का आपको, कैसे पता चला और शहबाज ने क्या बताया? जब हम बच्चा अगवा हुआ है उधर इधर लाहौर आए हैं गाँव से, तो वहाँ पे मैंने वीडियो तस्वीरें देखी हैं उनके मोबाइल में, तो फिर मुझे वहाँ पे पता चल गया था कि ये शहबाज है। फिर घर आके मैंने फ़ोन किया तो उसने कहा हाँ मैं ही हूँ। ठीक है, आपको जब पता चल गया था ये शहबाज है, पुलिस को बताना चाहिए था, अपने घर वालों को बताना चाहिए था, ना कि एक मुलजम का साथ देना चाहिए था? सर मैंने कोशिश की थी, फिर मैंने नहीं बताया। मैंने कहा कि फिर मुझसे ये सवाल होगा कि तुम इस लड़के के साथ तुम्हारा किस तरह रिश्ता बना है या फिर तुम कैसे जानती हो इनको। फिर गलत काम का अंजाम तो गलत ही होता है। हाँ जी। फिर आपने कहा चलो एक काम तो गलत किया, दूसरा भी करती हूँ, फिर साथ दे दिया शहबाज का आपने। शहबाज का जब साथ दिया अगवा ब्राय तवान की वारदात में, तो घर में होने वाली बातों के हवाले से शहबाज को कौन आगाह करता था? घर की बातें वो मेरे सामने करते नहीं थे, वो लाहौर रहते थे। नहीं नहीं, ये जब 5 साल का बच्चा रीज अगवा होता है आप उनके घर जाते हो, दुख में शरीक हुए थे ना आप? हुए थे, फिर आ गए थे घर। इतनी ज्यादा मेरे सामने कोई बात नहीं हुई थी। जब 5 साल का बच्चा अगवा हुआ था, घर वालों के क्या हालात थे? उनकी वालदा रोती होंगी, उनके वालिद रोते होंगे, पुलिस आई होगी। आपने शहबाज को किस हवाले से सहूलतकारी के तौर पर उसको आगाह करते रहे, बताते रहे कि यहाँ पे अब क्या हो रहा है, अपने आपको बचाना है, बच्चे को कहाँ रखना है, ये फिर किस तरह आपने उसकी मदद की? मैंने उसको यही कहा था कि घर वाले बहुत ज़्यादा तकलीफ में हैं और हम भी बहुत टेंशन में हैं, तो तुम बच्चा दे दो। उसने कहा मैं पैसे ले कर बच्चा दे दूँगा। ठीक है, आपने पूछा कितने पैसे मांगोगे शहबाज से? पूछा वो 10 करोड़ कह रहे थे।
अच्छा, तो आपने क्या कहा? ठीक है। नहीं, मैंने नहीं कुछ कहा। 10 करोड़ रुपए पे आप चौंकी नहीं कि ये इतने ज्यादा पैसे कैसे देंगे आपके घर वाले? मैंने उसको कहा था इतने पैसे नहीं मांगो, फिर उन्होंने कहा 5, तो 5 पे डन करेंगे हम। नहीं, फिर 1.5 करोड़ पे उन्होंने कहा था। ठीक है, 1.5 करोड़ पे डील हो गई। हाँ जी। तो फिर आप शहबाज के साथ कहाँ कहाँ रही? मैं तो अपने घर में ही रही हूँ अपने हस्बैंड के साथ। अगवा जब हुआ तब आप उसके साथ नहीं रही? नहीं, फोन पे ही रहा था। फोन पे ही रहा था। ठीक है, तो फिर शहबाज ने किसके साथ मिलके ये अगवा की वारदात को कामयाब बनाया था? उसके दोस्त हैं। कौन कौन थे दोस्त? और उनके बारे नहीं मैं जानती वो कौन कौन है। कभी फोन पे भी नहीं बात हुई उनके साथ? नहीं। ठीक है, पुलिस के साथ आपकी क्या बातचीत होती रही? जब बच्चे को बरामद करना था तो शहबाज को उनके अहले खाना को पकड़ा, आपके हवाले से भी इतला थी कि आपको भी पकड़ लिया। शहबाज आपकी सिफारिश करता था पुलिस को कि आप मेरी मैविश को छोड़ दें, मैं बच्चे को छोड़ दूंगा। इस तरह का पता नहीं कहा कि नहीं कहा, वो उसने यही कहा था। सारे उसके घर वाले भी पकड़े हुए थे और मेरे भी, उसके बच्चे भी पकड़े हुए थे और उसकी जो बीवी थी वो भी, तो उसने सबको ही कहा था छोड़ दो और बच्चा मैं दे देता हूँ। ठीक है। हाँ जी। उसकी शादी हुई हुई थी? हाँ जी। उसके बच्चे भी थे? 5 बच्चे। आपने फिर भी उसके साथ रिश्ता रखा और वो भी नाजायज रिश्ता? पहले आप दोस्ती करती हैं, शादी करने के बाद दोस्ती करती हैं, फिर आप अगवा बराए तवान की वारदात में मुलविस पाई जाती हैं, फिर शहबाज आपके लिए बच्चे को हवाले करने को भी तैयार हो जाता है मेरी कि मेरी मैविश को छोड़ दें, मेरी मैविश। सब पकड़े हुए थे उसके घर वाले भी, सब उसकी सिस्टरें भी पकड़ी हुई थी। ठीक है। हाँ जी। ये अच्छा काम था? नहीं सर, बुरा काम था। बुरा काम था? हाँ। दोस्ती करनी अच्छी थी? नहीं सर, बुरा काम था। बुरा काम था? हाँ जी। शादी हो गई थी, हंसी खुशी जिंदगी गुजार सकते थे? हाँ जी। आपकी एज क्या है? 25 साल। 25 साल। कितने बहन भाई हैं? 6 बहनें 2 भाई हैं। आप सबसे बड़ी हैं? नहीं, मुझसे बड़ी है, मैं उससे छोटी हूँ। ठीक है। एक तो आपसे जो छोटी हैं उन पे क्या असर पड़ेगा आपकी इस हरकत के बाद? मैं बहुत शर्मिंदा हूँ अपने घर वालों के सामने। मुझे पता चल गया था तो बता देना चाहिए था मुझे। आपका जो दोस्त है वो पुलिस मुकाबले में मारा गया है, पता है? हाँ। उसके लिए रो रही हैं कि गलत काम करने पे रो रही हैं? बताओ। गलत काम करने के लिए। शहबाज का जो दोस्त था वो भी मारा गया है, पता है? हाँ। आपका अंजाम क्या होगा? सर मेरे 2 बच्चे हैं जो। फिर तो पहले सोचना था ना बच्चों के बारे में। बच्चे किस में से हैं? अता मोहम्मद से? हाँ जी। हाँ जी। कितनी एज है आपके बच्चों की? बेटी 6 साल की और बेटा 4 साल। तो जब वो बड़े होंगे उनको वो आपके बारे में पता तो चल ही जाएगा, तो आप तो उनके लिए मसाल बनना चाहिए था कि एक अच्छी माँ के तौर पर सामने आती, ना कि बुरी माँ जिसका पता नहीं क्या क्या ऐसे लोगों के साथ रिश्ते थे जो सिर्फ दोस्त थे, और रिश्ता भी कहाँ तक होगा वो मुझे नहीं समझ आती। सिर्फ फोन पे बातें थी कि ये बच्चे भी शहबाज के हैं? नहीं। पक्की बात है? आपके घर में आपकी वालदा हयात है? हाँ जी। वालिद भी हैं? हाँ जी। उन्होंने रابطہ किया आपके साथ? नहीं। नहीं किया? नहीं। क्यों नहीं किया? क्यों नहीं किया रابطہ उन्होंने आपसे, बताओ? वो उन्होंने माफी मांगी थी जाके। किससे? उधर गांव में लोग हैं, उनके साथ बात की थी कि माफ कर दो। उनका क्या कसूर था? उनका यही कसूर है कि मैं बेटी हूँ उनकी, बस। मुझे तो बहुत दुख हो रहा है
कि ऐसी बेटी होती है जो शादी के बाद भी दोस्तियां कायम रखे और फिर अगवा बराए तवान की बड़ी घनौनी वारदात में मुलविस निकले। अपने घर वालों को ही धोखा दे रहे थे आप लोग। आपने रابطہ करने की कोशिश की अपने मां बाप से? आपने कोशिश की अपने तौर पे? हाँ जी, मैंने पुलिस वालों को कहा था मेरी बात करवा दे। तो फिर बात हुई? नहीं नहीं हुई। नहीं। क्या मैसेज देंगी आप देखने वालों को? आपका अंजाम क्या होना चाहिए बताएं जरा। मैसेज दे कैमरे में। मैं यही कहूंगी, ऐसा नहीं करना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए, सारी बात बताओ, एक मैसेज दो, ताकि ऐसी अगर वारदात करने में कोई और सोच भी रहा है तो वो अपनी सोच वहीं तक महदूद कर दे, बल्कि खत्म कर दे। हाँ जी, सोचना चाहिए, नहीं करना चाहिए ऐसा कुछ। वो एक माँ का बच्चा दूर हुआ है तो मुझसे मेरे दो बच्चे दूर हो गए। जी हाँ बिल्कुल, ये मैविश है जो पांसाला रीज जो एक निजी सोसाइटी लाहौर में मुकीम है, उसे अगवा किया गया और फिर 10 करोड़ रुपए तवान मांगा गया। CIA इकबाल टाउन पुलिस ने तमाम मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया और बच्चे को बाहिफाजत बाजियाब करके उनके वालदैन के हवाले कर दिया। मरकजी मुलजमा मैविश बच्चे की सुतेली नानी है। बड़ा दुख अफसोस इस बात पर होता है कि घर वाले ही मुजरिम का साथ देते हुए नजर आते हैं और फिर बेनकाब हो जाते हैं। पुलिस इस हवाले से क्या तहकीकात कर रही है? दो जो मरकजी मुलजमान और थे उनको पुलिस ने मुकाबले में पार कर दिया है। क्या क्या नाम थे और क्या ये क्रिमिनल थे, वो भी आपके सामने रखेंगे। हमारे साथ रहिएगा।